प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जापान और जर्मनी को पीछे करके भारत शीघ्र ही तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। कोविड के दौरान ITAT ने ई हेयरिंग फेसलेस असेसमेंट से लोगों के जीवन को आसान बनाया। ये बातें आयकर अपीलीय अभिकरण भवन लखनऊ का वर्चुअली उद्घाटन करते हुए केंद्रीय विधि एवं न्याय स्वतंत्र प्रभार संसदीय कार्य एवं संस्कृत राज्य मंत्री केंद्र सरकार अर्जुन राम मेघवाल ने कही। मेघवाल ने कहा कि आयकर अपीलीय प्राधिकरण IAT ने सभी ट्रिब्यूनल का मदर ट्रिब्यूनल जिस तरह से अधिकरण के लोगों के विवादों का निस्तारण करता है, ये ईज ऑफ लिविंग के सबसे बड़ा उदाहरण है। देश में ईजी ऑफ डूइंग का अमूलचूल बदलाव आ रहा है। उन्होंने कहा जिस तरह से विवाद से विश्वास स्कीम 2020 के अंतर्गत करदाताओं को विवादित करों की राशि के भुगतान से संबंधित मामलों में ITAT ने अच्छे से निपटारा किया, वो जो कि तारीफ काबिल है। न्याय मंदिर है जिसको प्रशासकीय सुविधाओं को दृष्टिगत करते हुए 9 विभिन्न अंचलों में विभाजित किया गया है। आज हम अपने भवन में प्रवेश कर रहे हैं जिसमें कार्यालय तक चलेगा और कल हमारे 30 जनवरी को ऑल पार्टी मीटिंग है। तो आज गृह मंत्री जी अमित शाह जी ने एक बहुत इम्पोर्टेंट बैठक रख ली दिल्ली में, जिसमें जो लास्ट सेशन है पार्लियामेंट का वो सुचारू रूप से चले, उसमें मुद्दे क्या आएंगे उसके बारे में, हमारा वोट एंड अकाउंट आ रहा है उसके बारे में कुछ ऐसी इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, इसलिए मैंने रिक्वेस्ट भी की मुझे लखनऊ जाना है, लेकिन उन्होंने कहा नहीं आपको इस बैठक में रहना है, आप इस प्रोग्राम को शाम को शिफ्ट कर दो। मैंने बन्नू साहब से जिक्र भी किया, फिर बन्नू साहब ने कहा वर्चुअली जुड़ सकते हो क्या, क्योंकि सारे लोग उसी समय आएंगे तो आप वर्चुअली आपके बीच में अब प्रेसिडेंट साहब तो और उस समय रहेंगे कि नहीं रहेंगे लखनऊ में, लेकिन मैं लखनऊ में जो भी रहेंगे उनके साथ पूरा 4-5 घंटे बिताना चाहता हूं आपके इस कॉम्प्लेक्स में, और जल्दी मैं आऊंगा आपके लिए। हमारे एसोसिएशन के मेंबर्स की ओर से किया जा रहा है। हम अभी ठीक सर, ये ITAT का जो आज ये उद्घाटन हुआ है, इसके बाद क्या यहाँ पे बदलाव आएगा, खासकर क्योंकि ये काफ़ी बड़ा जोन है और कितने ज़्यादा केसेस को इसमें ईजी ऑफ डूइंग में कितना बेनिफिट्स मिलेगा? नहीं, ईज ऑफ डूइंग होना ही है इसमें फायदा, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ द पिलर्स ऑफ एनी इंस्टीट्यूशन एंड विदाउट इंफ्रास्ट्रक्चर यू कांट वर्क प्रॉपरली टू यूर फुलेस्ट एक्सटेंट। सो देयरफॉर दिस प्रोविजन ऑफ दिस इंफ्रास्ट्रक्चर along with the provision of the residential accommodation to the staff members, it is bound to increase the efficiency of the members here. Sir, जो है यूपी में समय कितने केस पेंडिंग हैं? जोन में टोटली 2000 केसेस पेंडिंग हैं अभी, और कितने हम लोग अब तक रिजॉल्व कर चुके हैं, कितने केसेस को कब फैसला दे दिया? फैसला तो हम रेगुलरली देते हैं जी सर, तो इंस्टीट्यूशन होते हैं, डिस्पोजल्स होते हैं। यस सर, तो अभी जो पेंडिंग है उतना डिस्पोजल के बाद 2000 एंटायर जोन में। अच्छा, एंटायर जोन में जिसमें कि लखनऊ भी है, जबलपुर भी है, लखनऊ जबलपुर इलाहाबाद सर्किट बेंच है वाराणसी। ओके, अच्छा सर, ये ITAT बनने के बाद या हम अगर बात करें पिछले 5-6 साल में, क्या आपके पास पहुँचने वाले मामलों की संख्या बढ़ी है या जो घटी है? ये तो एक ऐसी इंस्टीट्यूशन है बाकी सारी जुडिशियल बॉडीज से हटके जिसमें संख्या कम हुई है लगातार, संख्या कम हुई है वही 2019 के बाद से लगातार कम हो रही है। अच्छा, इसके दो कारण हैं, एक तो कुछ पॉलिसी डिसीजन रहे गवर्नमेंट के, दूसरा हमारा जो मेहनत है हमारे मेंबर्स की, हमारे जो सामने डिपार्टमेंट ऑफिसर्स आते हैं उनकी, और प्लस जो लॉयर्स एंड CAs रिप्रेजेंट करते हैं, तो उस कारण से हमारी पेंडेंसी कम हुई है। पेंडेंसी लगातार हिस्टोरिकली लो है, सबसे कम है हमारी पेंडेंसी। अच्छा, जितने भी हैं इस समय अपीलेट्स हैं उसमें सबसे कम जी ITAT। आज ये देखिए कि आप हमारे जो मेट्रो स्टेशंस हैं, हेड ऑफिस जहां जस्टिस भड़ंग साहब बैठते हैं बॉम्बे में, और दिल्ली जो दूसरा मेन सेंटर है, इन दोनों ही जगह पर आप अपनी अपील फाइल करिए और 2 या 3 महीने में नंबर आ जाता है आपकी हेयरिंग का। ये किसी भी इंस्टीट्यूशन में ऐसा नहीं है, और जो इसके अलावा बाकी स्टेशंस हैं वहाँ तो 1 महीने में नंबर आ जाता है। अच्छा, तो हम ये कह सकते हैं कि 3 से 4 महीने में फैसला आ जाता है या फिर न्याय मिल जाता है? कहीं कहीं तो 2024 की अपील भी लग चुकी है, जो 2024 फाइल करी है। अच्छा, वो भी उसके बाद तो करदाता के ऊपर है, उनके रिप्रेजेंटेटिव के ऊपर है कि किस इतनी फास्ट तरीके से अपना रिजॉल्व कराते हैं। सर, क्या इन ये जो आपने 2000 मामले बताए हैं जो अभी हैं, इसमें लगभग कितना टैक्स कलेक्शन या कितना पैसा जो है सुनवाई के लिए
फंसा हुआ है, चाहे वो करदाता के पक्ष में हो चाहे वो विभाग के पक्ष में। ये जो स्टैटिस्टिक्स है जी सर, वो हमारे पास नहीं होता है क्योंकि हमारी इंडिपेंडेंट बॉडी है जी सर, क्योंकि वो चीज़ तो सेसिंग ऑफिसर, इनकम टैक्स ऑफिसर के उनके उनका है या टैक्स पेयर का होता है। हमारा समाधान का काम है, हमारा कलेक्शन का काम नहीं है। वी आर लाइक रेफरी जिन्होंने एक इम्पार्शियल फैसला करना है, तो हमारे पास कलेक्शंस का हमें कोई नहीं ज्ञान रहता है। ओके सर, और कुछ जो आप कहना चाहें अपनी तरफ से साहब? उसमें आई एम हैप्पी दैट मिस्टर इंचार्ज इज गेटिंग बिल्डिंग ऑफ इट्स ओन आफ्टर लॉन्ग टाइम, एंड वी विश ऑल द स्टेक होल्डर्स बेस्ट लक। ओके, थैंक यू सर। ओके, अच्छा सर, ये ITAT बनने के बाद, या हम अगर बात करें पिछले 5-6 साल में, क्या आपके पास पहुंचने वाले मामलों की संख्या बढ़ी है या जो घटी है? ये तो एक ऐसी इंस्टीट्यूशन है बाकी सारी जुडिशियल बॉडीज से हटके जिसमें संख्या कम हुई है लगातार। संख्या कम हुई है, वही 2019 के बाद से लगातार कम हो रही है। अच्छा। इसके दो कारण हैं, एक तो कुछ पॉलिसी डिसीजन रहे गवर्नमेंट के, दूसरा हमारा जो मेहनत है हमारे मेंबर्स की, हमारे जो सामने डिपार्टमेंट ऑफिसर्स आते हैं उनकी, और प्लस जो लॉयर्स एंड सीएस रिप्रेजेंट करते हैं, तो उस कारण से हमारी पेंडेंसी कम हुई है। पेंडेंसी लगातार हिस्टोरिकली लो है, सबसे कम है हमारी पेंडेंसी। अच्छा, जितने भी हैं इस समय अपीलेट्स हैं उसमें सबसे कम जी ITAT। आज ये देखिए कि आप हमारे जो मेट्रो स्टेशन हैं, हेड ऑफिस जहाँ जस्टिस भड़ंग साहब बैठते हैं बॉम्बे में और दिल्ली जो दूसरा मेन सेंटर है, इन दोनों ही जगह पे आप अपनी अपील फाइल करिए और 2 या 3 महीने में नंबर आ जाता है आपकी हेयरिंग का। ये किसी भी इंस्टीट्यूशन में ऐसा नहीं है, और जो इसके अलावा बाकी स्टेशन हैं वहाँ तो 1 महीने में नंबर आ जाता है। अच्छा, तो हम ये कह सकते हैं कि 3 से 4 महीने में फैसला आ जाता है या फिर न्याय मिल जाता है? कहीं कहीं तो 2024 की अपील भी लग चुकी है, जो 2024 फाइल करी है। अच्छा, वो भी उसके बाद तो करदाता के ऊपर है, उनके रिप्रेजेंटेटिव के ऊपर है कि किस फास्ट तरीके से अपने रिजॉल्व कराते हैं। सर, क्या इन ये जो आपने 2000 मामले बताए हैं जो अभी हैं, इसमें लगभग कितना टैक्स कलेक्शन या कितना पैसा जो है सुनवाई के लिए फंसा हुआ है, चाहे वो करदाता के पक्ष में हो चाहे वो विभाग के पक्ष में? ये जो स्टैटिस्टिक्स है जी सर, वो हमारे पास नहीं होता है क्योंकि हमारी इंडिपेंडेंट बॉडी है जी सर, क्योंकि वो चीज़ तो सेसिंग ऑफिसर, इनकम टैक्स ऑफिसर के उनका है या टैक्स पेयर का होता है। हमारा समाधान का काम है, हमारा कलेक्शन का काम नहीं है। वी आर लाइक रेफरी जिन्होंने एक इम्पार्शियल फैसला करना है, तो हमारे पास कलेक्शंस का हमें कोई नहीं ज्ञान रहता है। ओके सर, और कुछ जो आप कहना चाहें अपनी तरफ से साहब? उसमें आई एम हैप्पी दैट मिस्टर इंचार्ज इज गेटिंग बिल्डिंग ऑफ इट्स ओन आफ्टर लॉन्ग टाइम, एंड वी विश ऑल द स्टेक होल्डर्स बेस्ट लक। ओके, थैंक यू सर।